नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उत्कर्ष बंसल, बाल रोग विशेषज्ञ। मैं अपनी क्लिनिक में कई बार देखता हूं कि बच्चे जब आते हैं तो वो आंखों पे एक मोटी परत काजल की लगाए होते हैं। बहुत सारे बच्चों के माथे पे काजल का टीका लगा होता है। अगर आप बाहर निकलेंगे रोड पे तब भी आप देखेंगे कि छोटे बच्चे बहुत मोटी मोटी परत काजल की लगाए होते हैं। क्या आपको लगता है इस तरीके का काजल लगाना ठीक है? क्या इसके कोई फायदे हैं या इससे कुछ नुकसान हो सकते हैं? तो आइए आज इस विषय पे बात करते हैं, बच्चों में काजल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ज्यादातर लोग काजल क्या सोच के लगाते हैं? अगर मैं किसी से पूछता हूं कि आंखों में काजल लगाने का क्या फायदा है, मुझे बताया जाता है कि इससे उसकी आंखें बड़ी हो जाएंगी और उसकी नजरें तेज हो जाएंगी। क्या आपको लगता है कोई साइंटिफिक ऐसी बात है कि काजल से आंखें तेज हो सकती हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। काजल लगे होने की वजह से कई बार बच्चे आंखों को थोड़ा बड़ा करके देखने की कोशिश करते हैं, तो इससे ये महसूस होता है कि बच्चे की आंखें बड़ी हो रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कई बार पेरेंट्स ये तर्क देते हैं कि हमने बाजार का काजल इस्तेमाल नहीं किया है, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, हमने खुद घर में दिया जला के उससे काजल बनाया है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा, काजल आप किसी भी फॉर्म का इस्तेमाल करें, वो लगाने की प्रक्रिया जो होती है उससे बच्चे को चोट पहुंच सकती है और उससे उसे इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप पूछते हैं माता पिता से ये काजल क्यों लगाया, तो वो बताते हैं कि इससे बुरी नज़र से बचाया जाएगा और ये एक खानदानी प्रथा है जिसको वो लोग पालन कर रहे हैं। अगर आप नज़र बचाने के लिए काजल लगाना चाहते हैं तो बच्चे के माथे पर या उसके कान के पीछे आप काजल लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी आँखों में ही काजल लगाएं, और हम सब जानते ही हैं कि नवजात शिशुओं की स्किन और उनकी आईज कितनी सेंसिटिव होती हैं, तो हमें उनको इस तरीके के काजल लगाने के एक्सपोजर से बचाना चाहिए। बच्चों की आंख में काजल लगाने के क्या नुकसान हो सकते हैं? इतने छोटे बच्चे को जब काजल लगाया जाता है तो वो अपनी परेशानी बता नहीं पाता है और शायद वो रो के रह जाता है। काजल लगाने के दौरान कई बार बच्चे की आंख की कॉर्निया के हिस्से पर चोट भी लग सकती है, इससे ट्रेकोमा इन्फेक्शन फैल सकता है, और तो और अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से बच्चे की आँख को नुकसान भी हो सकता है। अगर एक ही काजल की डिब्बी है जिससे घर में सबको काजल लगाया जा रहा है, तो कभी कभी एक आँख से दूसरी आँख में इन्फेक्शन हो सकता है। इस इन्फेक्शन को क्लेमाइडिया बोला जाता है और ये इन्फेक्शन बहुत खतरनाक होता है। तो ये क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस इन्फेक्शन से बचने के लिए इस तरीके से एक ही डिब्बी से काजल सबको नहीं लगाना चाहिए। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों की आंखों में काजल ना लगाइए, क्योंकि काजल लगाने से कई बार आंख में चोट लग सकती है या उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको नज़र बचाने के लिए काजल लगाना है तो बच्चे के माथे या कान के पीछे लगाइए, लेकिन आंखों में काजल मत लगाइए। बड़ा होने पर अगर बच्चा आपसे खुद कहे कि मेरी आँख में काजल लगाइए, तो आप ज़रूर काजल लगाइए, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों की आँख में काजल कृपया ना लगाइए। अपने बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को लेकर अगर आप कुछ पूछना चाहें तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछें, और इस वीडियो को अपने साथियों, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर करें। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल डॉक ऑन ड्यूटी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।